दोस्तों, हाल ही में मैंने डार्क वाटर नाम की एक जापानीज हॉरर मूवी देखी है जो कि 2002 में रिलीज हुई थी और इसे हिडियो नकाटा ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी का सेम नाम से 2005 में एक अमेरिकन रीमेक भी बना है एंड बोथ ऑफ दिस मूवीज आर एक्चुअली बेस्ड ऑन कोजी सुजुकीज डार्क वाटर जो कि एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर डार्क वाटर मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम मूवी की मेन लीड योशिमी और उसकी डॉटर इकुको को देखते हैं, जहां योशिमी एक सिंगल पेरेंट थी और इकुको केवल 6 साल की थी। योशिमी के पति काफी अब्यूजिव थे और इसी वजह से योशिमी इकुको को लेकर उनसे अलग हो गई थी। अब योशिमी को इकुको की कस्टडी लेने के लिए फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था एंड इसीलिए उसे एक घर का भी इंतजाम करना था जहाँ वो इकुको के साथ रह सके। दूसरी तरफ इकुको के डैड योशिमी को मेंटली अनस्टेबल प्रूव करने में लगे हुए थे एंड अकॉर्डिंग टू हिम योशिमी के साथ बचपन में ट्रॉमा हुआ था जिस वजह से वो मेंटली काफी डिस्टर्ब्ड है। यहाँ हमें पता चलता है कि योशिमी अपने बचपन में एक इग्नोर्ड चाइल्ड थी, यानी कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और वो लोग अपने ही मैटर में इतने बिजी रहते थे कि योशिमी बहुत इग्नोर हो जाती थी। योशिमी बचपन से ही अपने पेरेंट्स के अफेक्शन से दूर रही और उसका अकेलापन ने उसे काफी डिप्रेस्ड बना दिया था, जिसकी वजह से योशिमी की ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकेशंस भी चल रही थी। खैर, योशिमी अपने डिवोर्स के बाद इकुको को बिल्कुल भी अकेला या उदास छोड़ना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो उसके लिए हर पॉसिबल कोशिश कर रही थी। योशिमी बाई प्रोफेशन एक प्रूफ रीडर थी जहाँ उसकी सैलरी काफ़ी कम थी। इस वजह से वो इतने कम समय में कोई बड़ा घर नहीं खरीद सकती थी और इसीलिए उसे रेंट पर ही किसी सस्ते अपार्टमेंट की तलाश थी। नेक्स्ट सीन में योशिमी एक अपार्टमेंट देखने जाती है जो कि सुनसान इलाके में था और ये घर भी काफ़ी पुराना था। यहाँ योशिमी इकुको और वो आदमी जो इन्हें ये अपार्टमेंट दिखाने ले आया था, तीनों ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ते हैं और हम लिफ्ट की सीलिंग से पानी टपकता हुआ देखते हैं जिससे फ्लोर पर भी काफी पानी आ रहा था। सीन शिफ्ट होकर बिल्डिंग के केयर टेकर के मॉनिटर पे फोकस करती है जहां हम लिफ्ट के कैमरा से लिफ्ट के अंदर का सीन देखते हैं। एज एन ऑडियंस हम उस लिफ्ट में एक छोटी लड़की की घोस्ट को कुछ सेकंड्स के लिए देखते हैं और केयर टेकर भी घोस्ट को अपने मॉनिटर पे देखता है, लेकिन फॉर सम रीजन वो उसे इग्नोर कर देता है। नाउ अपार्टमेंट के अंदर की सिचुएशन भी काफी बिगड़ी हुई थी, लेकिन सस्ता दाम होने की वजह से योशिमी इसे रेंट कर लेती है। नाउ योशिमी और उस आदमी की बातों के दौरान इकुको इस बिल्डिंग के छत पर चली जाती है जहां उसे एक रेड बैग पड़ा हुआ मिलता है। इतने में योशिमी यहाँ आ जाती है और वो ये बैग बिल्डिंग के केयर टेकर को दे देती है। नेक्स्ट डे वो दोनों यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं एंड शिफ्ट करते ही योशिमी सीलिंग पर एक ब्लैक स्पॉट को नोटिस करती है जिससे अब पानी टपकना स्टार्ट हो गया था। योशिमी बिल्डिंग के केयर टेकर से इस बारे में बात करती है बट वो इस कंप्लेंट पर बिल्कुल भी सीरियस रिएक्शन नहीं देता और उल्टा योशिमी को समझाने लगता है कि पुरानी बिल्डिंग में इस तरह की छोटी मोटी कंप्लेंट्स आती रहती हैं। योशिमी अपार्टमेंट में वापस आकर टपकते हुए पानी के नीचे बकेट वगैरह लगाकर उसे कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही वो स्पॉट बढ़ने लगता है और पानी तेजी से टपकना स्टार्ट हो जाता है। योशिमी सोचती है कि मे बी उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट में किसी पाइप की लीकेज की वजह से ऐसा हो रहा होगा और इसीलिए She decides कि वो ऊपर जाकर ऊपर वाले रेसिडेंट से बात करेगी। योशिमी ऊपर जाती तो है बट बहुत देर नॉक करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता, सो वो वापस लौटने लगती है। तभी योशिमी को वहां एक छोटी बच्ची खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि वही बच्ची थी जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में लिफ्ट में अपीयर होते हुए देखा था एंड सडनली वो बच्ची गायब भी हो जाती है। इस घटना के बाद योशिमी के साथ काफी अजीब चीजें होने लगती हैं, लाइक उसकी नींद कम हो गई थी, उसे माइग्रेन वगैरह भी होने लग गया था, टैप से गंदा पानी आने लगा था एंड इवन लिफ्ट के बटन्स फॉर सम रीजन ब्लैक हो गए थे। एक दिन योशिमी इकुको को स्कूल से पिक करने में लेट हो जाती है और स्कूल पहुंचने पे इकुको वहां नहीं थी। योशिमी काफी घबराते हुए इकुको को वहां ढूंढने लगती है और इस दौरान योशिमी की नजर पास ही लगे एक लीफलेट पे जाती है जो कि किसी मित्सुको कवाई नाम की छोटी बच्ची की मिसिंग होने के बारे में था। खैर, योशिमी को इकुको मिल जाती है और वो लोग घर वापस आ जाते हैं। यहाँ वो दोनों फ्रेश एयर के लिए रूफ पर जाते हैं एंड सरप्राइजिंगली एनफ इकुको को वही रेड बैग सेम स्पॉट पे पड़ा हुआ मिलता है। दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज एंड योशिमी इस बैग को डस्टबिन में फेंक आती है।
नेक्स्ट सीन में हम इकोको को स्कूल के गेट पर देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इकोको को भी वो लड़की दिखने लग गई थी जिसे योशिमी ने अपने ऊपर वाले अपार्टमेंट के बाहर देखा था। स्कूल में इकोको रिसेस टाइम पर अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी और एक डेस्क के नीचे छिपते वक्त इकोको को वही लड़की फिर से दिखाई देती है जिसे देखकर इकोको बेहोश हो जाती है। योशिमी ऑफिस से जल्दी स्कूल आती है और मेडिकल रूम में वो इकोको को देखती है। इकोको के टीचर से बात के दौरान योशिमी की नजर एक ड्रॉइंग पर जाती है जिसे उसने उस दिन ऊपर वाले अपार्टमेंट पर देखा था एंड सरप्राइजिंगली एनफ ये ड्रॉइंग किसी और ने नहीं बल्कि इकोको ने ही बनाया था। टीचर योशिमी को बताते हैं कि जिस लड़की की ड्रॉइंग इकोको ने बना रखी है वो इसी स्कूल की एक स्टूडेंट हुआ करती थी जिसका नाम मित्सुको कवाई था और वो कुछ सालों पहले अचानक ही गायब हो गई थी। लास्ट डे मित्सुको कवाई ने येलो रेनकोट पहन रखा था और वो एक रेड बैग कैरी कर रही थी। ये सब सुनकर योशिमी एकदम शॉक रह गई थी क्योंकि ये लड़की वही थी जिसकी मिसिंग नोटिस उसने उस दिन स्कूल के बाहर देखी थी और ये रेड बैग भी वही था जो कि इकोको के पास बार बार अपने आप ही आ जा रहा था। एनीवेज रात को योशिमी और इकोको जब सो रहे थे तब योशिमी को एक ड्रीम आता है जिसमें वो मित्सुको कवाई को अपने बिल्डिंग के पास आता हुआ देखती है एंड अचानक ही उसकी आँख खुल जाती है। इसके बाद योशिमी नोटिसेस कि इकोको अपने बेड पर नहीं थी और उसे खोजते हुए योशिमी ऊपर वाले अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। नाउ टू हर सरप्राइज इस अपार्टमेंट का डोर आज खुला हुआ था और अंदर पूरे रूम की फ्लोर पर पानी इकट्ठा पड़ा हुआ था। अपार्टमेंट का हर एक टैप ओपन पड़ा था और वहीं एक रूम में उसे इकोको खड़ी हुई दिखती है जो कि सेंसलेस स्टेट में थी। योशिमी इकोको को वहां से ले जाने लगती है और इसी अपार्टमेंट में उसे मित्सुको की एक पिक्चर भी टंगी हुई दिखती है जिससे वो समझ जाती है कि ये अपार्टमेंट मित्सुको का ही हुआ करता था। योशिमी इकोको को नीचे लेकर आती है और वो डिसाइड कर लेती है कि जल्द से जल्द वो इस अपार्टमेंट को छोड़कर चली जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग योशिमी अपना सामान पैक भी करना स्टार्ट कर देती है लेकिन योशिमी का लॉयर कम फ्रेंड उसे समझाते हैं कि अगर वो इकोको के लिए स्टेबल लाइफस्टाइल नहीं रख पाती है और इसी तरह घर बदलती रहती है तो उसका हस्बैंड प्रूव कर देगा कि वो इकोको का ख्याल रखने के काबिल नहीं है और इसीलिए उसे एक परमानेंट एड्रेस पर ही रहना होगा अंटिल उसे इकोको की कस्टडी कम्प्लीटली नहीं मिल जाती। वेल, योशिमी का लॉयर उसकी हेल्प करता है और वो उस बिल्डिंग के केयरटेकर से बात करके योशिमी के अपार्टमेंट को पूरी तरह से रिनोवेट करवा देता है। साथ ही ऊपर वाले अपार्टमेंट के टैप्स वगैरह की भी मरम्मत कराई जाती है जिससे सीलन की प्रॉब्लम दोबारा ना आए। अब हम कुछ दिन आगे का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि रिनोवेशन के बाद उनका यहाँ रहना काफ़ी आसान हो गया था। इकोको स्कूल जाने लग गई थी और योशिमी को भी माइग्रेन वगैरह कम ही होते थे। इनफैक्ट इस अपार्टमेंट की निगेटिव फील अब खत्म हो चुकी थी। नाउ एक दिन सीन शिफ्ट होकर अपार्टमेंट फोकस करता है जहाँ इकोको स्कूल से आती है और योशिमी उसके बैग को खाली करते वक्त कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। अब शायद आपने गेस कर ही लिया होगा कि इकोको के बैग के अंदर वही रेड बैग रखा हुआ था। योशिमी बहुत ज़्यादा डर जाती है और इकोको से पूछती है कि उसे ये बैग कहाँ से मिला, जिस पर इकोको रिप्लाइज कि उसे नहीं पता कि ये बैग उसके बैग के अंदर कैसे और कब आया। योशिमी इस बैग को जैसे ही पिक करती है उसे एक विजन आती है जिसमें वो इस रेड बैग को एक वाटर टैंक में पड़ा हुआ देखती है। योशिमी को ऐसी इंट्यूशन आती है एज इफ मित्सुको की स्पिरिट उसे कुछ कहना चाहती है। योशिमी एक टॉर्च लेकर रूफ पर रखे वाटर टैंक्स को चेक करने लग जाती है और जैसे ही वो उस वाटर टैंक को हाथ लगाती है उसे एक और विजन आता है। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले मित्सुको के साथ क्या हुआ था। दरअसल कुछ साल पहले अथॉरिटी वाटर टैंक का इंस्पेक्शन करने आई थी और इसी दौरान इस टैंक का कवर ओपन रह गया था जिसमें मित्सुको बाय एक्सीडेंट गिर गई थी। अब यहाँ रूफ पर कोई भी नहीं था इसलिए कोई भी डूबती हुई मित्सुको की हेल्प करने नहीं आ सका और उसकी वहीं मौत हो गई। मित्सुको के पेरेंट्स भी उसे ढूंढने नहीं आए क्योंकि वो लोग काफ़ी लड़ते झगड़ते रहते थे और ऐसे में मित्सुको का ध्यान नहीं रख पाते थे। दूसरी तरफ इकोको नोटिस करती है कि बाथरूम का टैप अपने आप ही ओपन हो गया था और बाथटब में गंदा पानी भर कर गिर रहा था। इकोको टैप को बंद करती है कि तभी मित्सुको की स्पिरिट इकोको को बाथटब के अंदर खींच कर उसे डुबोने लग जाती है। यहाँ योशिमी नीचे आती है और वो इकोको को बाथरूम में पड़ा हुआ देखती है। योशिमी उसे उठाकर जल्दी से बाहर भागती है लेकिन जैसे ही योशिमी लिफ्ट में चढ़ती है लिफ्ट में हर तरफ से पानी टपकने लगता है। इसके बाद सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि योशिमी लिफ्ट के बाहर इकोको को खड़ा देखती है और यहाँ उसके हाथ में मित्सुको थी। योशिमी समझ जाती है कि मित्सुको उसे यहाँ से जाने नहीं देगी और इसीलिए योशिमी डिसाइड्स कि वो इकोको को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगी और इसी के साथ लिफ्ट का डोर बंद हो जाता है।
इकुको घबराते हुए लिफ्ट को फॉलो करके ऊपर पहुंचती है, लेकिन लिफ्ट ओपन होते ही उसमें से कुछ नहीं बल्कि ढेर सारा पानी निकलता है। कहानी यहाँ से 10 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ हम इकुको को देखते हैं जो कि हाई स्कूल में थी और वो अपने डैड के साथ रह रही थी। इकुको अपने स्कूल से आज उस बिल्डिंग में आती है जहाँ कुछ साल पहले ये सब हुआ था। इस बिल्डिंग में अब कोई भी नहीं रहता था, बट उस अपार्टमेंट में जहाँ योशिमी और वो रहा करते थे, वहां पहुंचकर इकुको नोटिसेस कि सब कुछ वेल मेंटेन्ड था, एज इफ कोई यहाँ अब भी रह रहा हो। ऑल ऑफ अ सडन योशिमी की स्पिरिट यहाँ आती है, जिसे देखकर इकुको बहुत खुश हो जाती है। इकुको काफी इमोशनल होकर योशिमी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ यहाँ रह सकती है, जिस पर योशिमी पोलाइटली रिप्लाइज कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अब मित्सुको के साथ रहती है। एज एन ऑडियंस हम इकुको के ठीक पीछे ही मित्सुको के स्पिरिट को देखते हैं। यहाँ से योशिमी की स्पिरिट गायब हो जाती है और इकुको भी वापस घर लौट जाती है, जिसके साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डार्क वाटर की स्टोरी, और अब हम और आप मिलकर इस मूवी से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मूवी को लेकर दो मेन थियरीज है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, योशिमी और इकुको एक हॉन्टेड बिल्डिंग में शिफ्ट होते हैं जहां मित्सुको नाम की एक बच्चे की डेथ हो गई थी। अब स्टोरी से हमें पता चलता है कि दरअसल मित्सुको एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, जिसकी वजह से उसे अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला था। ऑन द अदर हैंड, योशिमी और इकुको यहाँ मूव इन करते हैं तो मित्सुको को उनका बॉन्ड देखकर उनसे जेलसी होने लग जाती है। योशिमी मित्सुको के साइंस को देखकर समझ जाती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है, और योशिमी को मित्सुको की स्टोरी पता चलती है। योशिमी समझ जाती है कि मित्सुको को एक मदर की जरूरत है और वो इकुको को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी। इसीलिए लिफ्ट में योशिमी डिसाइड्स कि वो मित्सुको के साथ चली जाएगी, यानी खुद को सैक्रिफाइस करेगी ताकि इकुको सेफ रह सके। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि योशिमी अभी भी इकुको से कनेक्टेड थी, लेकिन वो मित्सुको के साथ ही रह सकती थी। नाउ दूसरी थ्योरी की माने तो मूवी में कोई घोस्ट नहीं थी। दरअसल योशिमी वॉज हरसेल्फ ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड इन हर चाइल्डहुड, और मित्सुको की कहानी वॉज जस्ट द सिंबल ऑफ पेन एंड द लोनलीनेस, जिसमें योशिमी को अपने पूरे चाइल्डहुड में सबमर्ज रहना पड़ा था। योशिमी को धीरे धीरे समझ आ जाता है कि वो अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पाएगी, और कहीं ना कहीं उसकी डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट का इकुको पर भी बुरा असर पड़ेगा। फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो इकुको की कस्टडी उसके डैड को ही दे देगी, और वो खुद अपने पास्ट को एक्सेप्ट करके अपने पास्ट के साथ ही बाकी की लाइफ स्पेंड करने का डिसाइड करती है। योशिमी अपनी बेटी की लाइफ में हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी के लिए खुद की खुशियों को सैक्रिफाइस कर देती है और उससे दूर हो जाती है। वेल, दोनों ही थियरीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है। जहां एक थियरी मूवी के स्ट्रक्चरल पोर्शन को क्लियर करती है, वहीं दूसरी थियरी मूवी के इमोशनल स्फीयर को एक्सप्लेन करती है। आई पर्सनली लाइक बोथ ऑफ देम, और ये आप पर है कि आप कौन सी थियरी को माने, बट द ट्रूथ इज बोथ ऑफ द थियरीज गिव अस द सेम ब्यूटीफुल मैसेज कि देयर इज नो वन ग्रेटर देन अ मदर। तो दोस्तों, ये थी डार्क वाटर की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।